तो हेलो गाइस वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी दिस इज अनिरुद्ध मलिक आई वेलकम यू ऑल ऑन एन एकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सो हेलो गाइस हेलो टू ऑल कैसे हो आप लोग ऑल गुड सो गाइस बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू कवर टाइट्स टॉपिक दैट इज पार्ट ऑफ ओशनोग्राफी आज हम टाइट को कवर करेंगे हम बात करेंगे टाइट्स का फॉर्मेशन क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या रोल है हम बात करेंगे वॉट इज स्प्रिंग टाइट वॉट इज नीप टाइट फिर हम बात करेंगे कि हम टाइट्स को भी अलग अलग क्लासिफाइड करेंगे व्हाट इज हाई एंड हायर टाइट्स व्हाट इज लो एंड लोअर टाइट्स हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ पॉइंट को ओके okay. तो हेलो टू ऑल गाइस हेलो टू एवरीवन कैसे हो आप लोग एवरीथिंग इज फाइन ठीक है सो गाइस टुडे हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइट्स का देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी अंडरस्टैंडिंग इजीली वे में नहीं हो पाती क्योंकि टाइट्स कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है हम बात करेंगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है इसका वर्क क्या होता है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे ओके गाइज सो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में दिस इज अनिरुद्ध मलिक आई डन माई बी टे फ्रॉम यूपीटी एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन फोर ईयर एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड्स ऑफ

जो एजुकेटर्स के बारे में इंडिया के मोर देन हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स से वो अपना एक्सपीरियंस अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे वहीं पर हम बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में सो so गाइज आपके जो अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन है उसकी वन ईयर की जो फीस है वो ओनली फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है एंड वेन यूज द कोड कैपिटल ए एम टेन यू विल गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाती है फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फॉर वन ईयर टू ईयर सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थ्री ईयर एट्टी वन थाउजेंड सो गाइज दिस इज द बेस्ट चांस आपके लिए कि आप यूटिलाइज कर सकते प्रॉपर मैनर में पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा दैट प्लस प्लस इंटरव्यू एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको एंटायर कवरेज मिलेगा वहीं पर हम बात करें अकेडमी का जो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी एडवांटेजेस के बारे में गाइज आपको पर्सनल कोच मिलेगा डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक दीज आर द एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो आपको यहां पर मिलने वाली है अपनी एक्सपर्टीज के साथ आपने सारी चीजों को आपको एडवांटेज मिलेगा वहीं पर वन ईयर की जो फीस है दैट इज सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर वहीं पर आप ए एम टेन कोड यूज करते हैं तो आपकी फीस सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आप 96,000 सिक्स थाउजेंड फॉर थ्री ईयर टू ईयर एंड वन लैक ट्वेंटी थ्री दिस इज द कोड सिंपली आपको code use करना है. अगर आप use करते हो, 10 discount as well as आपको मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम डे वन टू द लास्ट डे वहीं पर गाइज आपके फ्रॉम एटीन आपके न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले जिसमें आपको में और मेन्स पूरी एंटायर कवरेज मिलेगी एंड द बेस्ट थिंग आपके जो कोर्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे हिंदी मीडियम में होंगे Plus आपका bilingual में होंगे, तो तीनों जस्ट आपको course मिलेंगे, best educators की है, कैपिटल ए एम टेन कोड यूज करना और आपको वहां पर टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है ओके अब हम बात करते हैं टाइट्स होता क्या है बेसिकली देखिए गाइस हमने बात की थी ओशनोग्राफी में और मैंने ओशनोग्राफी को डिस्कस करने से पहले दो तीन पॉइंट को डिस्कस किया था उन पॉइंटों को समझने की कोशिश करना मैं आपको फिर बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा जस्ट गिव मी वन और टू मिनट्स ओके फाइन देखिए हमने बात की थी कि हमारे ओशन करंट्स क्या होते हैं या ओशन में जो वाटर का मूवमेंट्स होता है वो क्या होता है बेसिकली अगर मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूं मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर हमने जो पढ़ना था ओशन के जो वाटर है उसके मूवमेंट्स के बारे में हमने चीजों को कवर किया था ठीक है तो हमने बात की कि जो ओशन के वाटर है ये कितनी तरीके से मूव करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारा ओशन का वाटर जो मूव करेगा वो ओशन करंट की फॉर्म में मूव करेगा ओशन करंट की फॉर्म में मूव करेगा सेकेंड होता है आपका टाइट एंड थर्ड होती है आपकी वेव ये तीन तरीके से हमारा ओशन का वाटर मूव करता है क्लियर है ओशन का वाटर बेसिकली हमारा तीन तरीके से मूवमेंट करेगा नंबर वन इज ओशियन करंट नंबर टू इज टाइट एंड नंबर थ्री इज वेव और बेसिकली ये तीनों मूवमेंट्स में से समझने की कोशिश करना जो ये मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को कहते हैं हॉरीजोंटल मूवमेंट दैट मीन जो ओशन करंट का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं हॉरीजोंटल मूवमेंट दैट मीन्स ये ओशन के फ्लोर पर इजली जो वाटर है ओशन करंट क्या है बेसिकली ओशन करंट एक रिवर की फॉर्म में एक स्मूथ फॉर्म में वन डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है एट अ रैपिड रेट और वो हम बोलते हैं ओशन करंट को दैट मींस आपका जो ओशन लेवल है उस पर हॉरिजोन वाटर फ्लो कर रहा है उसको ओशन करंट बोलते हैं वहीं पर टाइड्स एंड वेव्स है ये आपके वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ वाटर है दोनों को समझने की कोशिश करना बहुत डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट में दोनों चीजें समझा रहा हूं जहां पर ओशियन करंट फ्लोर पे आपका फ्लो करेगा आपके फ्लोर के ऊपर हॉरिजॉन्टली वो होगा आपका ओशियन करंट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर और वहीं पर जहां पर ओशियन वाटर वर्टिकली मूव करेगा उसको हम बोलते हैं टाइड्स और वेव्स सर बेसिकली क्या डिफरेंस है टाइड्स और वेव में आज तक कभी हमें चीजें समझ में नहीं आई कि टाइड होता है उसमें क्या डिफरेंस है और आपकी वेव्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं जो टाइड्स होती है ना वो हमेशा किसके आपकी जो विंड का मूवमेंट होता है टाइड हमेशा जो विंड के मूवमेंट के कारण आपका जो वॉटर का लेवल है समझने की कोशिश करना विंड के कारण जो वॉटर का लेवल है उस वॉटर के अपर लेवल पर आपका अप एंड डाउन मूवमेंट होना उसको बोलते हैं आपका वेव्स उसको बोलते हैं आपका वेव समझने की कोशिश करना जहां पर आपका वाटर का टॉप लेवल पे मूवमेंट हो और वो मूवमेंट वर्टिकली हो आपका ये वाटर फ्लोर फ्लोर है इस पर अगर इजली कम बेसिस पर वाटर मूव कर रहा है उसको ओशियन करंट बोलेंगे वहीं पर आपका वाटर जो लेवल है उसके ऊपर आपका वाटर का मूवमेंट हो वर्टिकली उसको हम बोलेंगे वेव्स और वहीं पर जो वॉटर का पूरा लेवल है उसमें जो मूवमेंट होगा उसको हम बोलेंगे टाइट्स उसको हम बोलेंगे टाइट्स अब दोबारा समझिए अब न, वेव जो होंगी बेसिकली नहीं वेव जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेव्स आपकी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट वो वर्टिकली होती है और ओशन करंट आपका हॉरिजॉन्टली मूव करता है ठीक है अब मैं आपको एक पॉइंट और समझाता हूं अभी समझने की कोशिश करना देखना आप सिंपल पॉइंट देखना मैं बिल्कुल क्लियर ये मेरा वाटर लेवल है ओशन इस पे इजली इस तरीके से आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है दिस इज ओशियन करंट क्लियर है वहीं पर मेरा यहां पर ये वाटर है और ये मेरा वाटर है पूरा और इसका जो टॉप सरफेस है उस टॉप सरफेस पर आपका मूवमेंट हो रहा है इसको मैं बोलूंगा वेव्स और वहीं पर जो मेरा ये वाटर लेवल है इस पूरे वाटर लेवल में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है इसको बोलूंगा मैं टाइट्स अब तीनों में डिफरेंस है तीनों में डिफरेंस है सर क्या डिफरेंस है तीनों में सर तीनों में जो ओशियन करंट है वो बेसिकली आपकी जो पैटर्न्स होते हैं जो परमानेंट विंडस होती हैं जो परमानेंट विंड होती है उनके कारण यह ओशियन करंट फ्लो करता है ठीक है परमानेंट जो प्रेशर बेल्ट के कारण जो आपकी सब ट्रॉपिकल आपकी ईस्टर्नली है वेस्टर्नली है उनके कारण ये आपका ओशियन करता है वहीं पर जो वेव्स है वो वेव्स आपकी विंड के कारण मूव करती है जो विंड की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में विंड करेगी उसके कारण जो आपका टॉप ओशन का टॉप फ्लोर है उसमें आपका मूवमेंट होगा टॉप फ्लोर ऑफ द ओशन में आपका मूवमेंट होगा वहीं पर जो टाइड्स है इसके लिए पॉइंट याद करके लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर टाइड्स जो होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपकी टाइड्स लेके आती क्लियर है डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन टाइड्स वेव्स और आपके ओशियन करंट में सो so, जो टाइड्स होगा वो आपके जो वॉटर के पूरे लेवल में अप एंड डाउन होगा हाई राइज एंड फ्लो राइज एंड डाउन अप एंड डाउन करके जो आपका मूवमेंट होगा वो आपका टाइड्स के कारण होगा और वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन और मून का अब मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट्स के बारे में Tides क्या है टाइट्स इज नथिंग बट अ पीडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल दैट जो सी के लेवल का राइज एंड फॉल हो रहा है उसको टाइट्स समझाने की कोशिश करूंगा जस्ट आप एक बार आइए देखिए कभी कभी आप नोटिस करते होंगे कि मेरे पास एक ओशन का फ्लोर है आप नोटिस करते होंगे मेरे पास एक ओशन का फ्लोर है यहां पर ये मेरे पास ये माउंटेन है ये ओशन है तो आप नोटिस करेंगे कभी-कभी कि जो आपका ओशन के वाटर लेवल है वो तो कभी तो यहां तक राइज़ आ जाता है उसके बाद कभी वो वाटर लेवल दोबारा आपका वापस डाउन यहां तक रह जाता है तो क्या हो रहा है एक बार तो प्रोडिकली राइज़ हो रहा है वाटर लेवल और एक बार आपका प्रोडिकली फॉल हो रहा है तो दैट मींस पीरियडिकली राइज़ एंड फॉल को हम टाइड्स बोलते हैं ठीक है ओशन करंट कुछ नहीं है मैंने आपको बताया सिंपली आपका जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर ओशन के आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बहुत ही जैसे एक रिवर मूव करती है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पैटर्न में जैसे हॉरिजॉन्टल आपका वाटर का मूवमेंट हो रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में अगर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा और बिल्कुल काम एरिया की तरह आपका वॉटर का मूवमेंट होगा अब आ जाइए हम फटाफट बात करते हैं क्या है नथिंग बट अ राइज एंड ऑफ दी वॉटर अ टाइड है अब आप यहां पे आइए. देखिए, है ना सारा कंसेप्ट में आपको यहाँ पे समझा दूंगा टाइड का क्या होता है अब आप चीजों को समझने की कोशिश करना देखिए क्या होता है हमारा मैं आपको एक सिंपल अपने लेमन डायग्राम के थ्रू आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा बुक्स को एनसीआर इन सब चीजों को बाद में पढ़ेंगे पहले हम अपना बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि टाइट होता क्या है देखिए दिस वन समझना टाइट बहुत अच्छे से समझाता हूंगा बिल्कुल क्लियर अच्छे से चीजों को यहां पर है आपका सन ठीक है ये है आपका सन क्लियर है अब क्या होगा आपकी मून की कंडीशन देखना यहां पर हमारा मून है दिस वन इज मून ठीक है ओके तो क्या होता है हमारी जो मून है और हमारा जो सन है और हमारा सेम अर्थ इन तीनों के एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इन तीनों के पास एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है अपने ऊपर अट्रैक्ट करती है अब मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट देखिए इस पेन को मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं आप अगर देखिए पेन क्या हुआ ये नीचे की तरफ फॉल हुआ पेन क्या हुआ नीचे की तरफ फॉलो हुआ क्यों क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अदरवाइज ऊपर भी जा सकता था बट क्या हुआ नीचे की तरफ आया क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स है सेम कंसेप्ट होता है कि जो मून है और आपका सन है इनकी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की मून की इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स है अब क्या हुआ जब आपकी मून की कंडीशन तीन तरीके से हो सकती है एक आपका मून यहां पे भी हो सकता है समझने की कोशिश करना मेरे पॉइंट को देखिए क्या होगा आपका अर्थ है अर्थ क्या करती है अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है और सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल पाथ में रेवोल्यूशन भी करती है गॉट इट सेम इसी तरीके से जो मून है वो भी अर्थ के इलेप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन करता है वहीं पर जो अर्थ है इसका रोटेशन होता है 365 डेज और सिक्स आवर में वहीं पर जो मून है आपका वो रेवोल्यूशन करता है आपका ट्वेंटी फोर आवर और आपका अप्रॉक्स मिनट के अंदर जो मून है वो करता है आवर के अंदर ठीक है ओके अब मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं बिल्कुल समझने की कोशिश करना अब क्या हुआ ये अर्थ रोटेशन कर रही है रेवोल्यूशन कर रही है सन के चारों तरफ इसी तरीके से ये मून भी अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर अर्थ के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रहा है अब क्या होगा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपका मून और सन और अर्थ तीनों एक लीनियर डायरेक्शन में आ जाएंगे किसमें आ जाएंगे लीनियर डायरेक्शन में आ जाएंगे तीनों किसमें आ जाएंगे एक लीनियर डायरेक्शन में आ जाएंगे सन अर्थ और मून तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे अब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो क्या होगा जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी क्या हुआ सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे इसकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फोर्स जब ऐड हो जाएंगी तो क्या करेंगी एक फोर्स एग्जर्ट करेंगी अर्थ के सरफेस के ऊपर और जब अर्थ के सरफेस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगी तो आपको पता है अर्थ बीच में एक है उसके सराउंडिंग में चारों तरफ वाटर बॉडीज है और वो वाटर बॉडीज जब यहां से सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो ऐसा तो नहीं वो ग्रेविटेशनल इतनी फोर्स इतनी स्ट्रांग होगी कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो सॉइल होगी उसी को आपका एग्जर्ट कर ले अपने प्रेशर की तरफ तो वो उन की सरफेस को तो एग्जर्ट नहीं कर पाती बट इस वॉटर के लेवल को अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करती है इस वाटर के लेवल को अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करती है और आपका यहाँ पर एक बल्ज बना देती है क्या करती है वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इसके कारण यहाँ पर आपकी टाइड जनरेट होती है क्या होता है वाटर का लेवल चारों तरफ है बट आपका जो इधर का साइड का वाटर है वो वाटर भी अट्रैक्ट होके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां पर टाइड बन गया तो जब यहां पर टाइड बनी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगी सेम इसी के पीछे अर्थ भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स का नाम है सेंट्री फ्यूगल फोर्स देखिए जब अर्थ पर कोई फोर्स लग रही है ना तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है इस पोर्शन को तो सेम अर्थ भी उसी प्रेशर के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब मैं आपको दोबारा यहां पर आ जाइए बिल्कुल क्लियर वे में चीजों को समझाता अब क्या हुआ सन मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में आ गई इसको क्या बोलते हैं सिजगी जब तीनों चीजें एक लीनियर डायरेक्शन में आ जाए इसको बोलते हैं सिजगी तो क्या होगा यहां पर सन का और मून का आप एक पॉइंट याद रखना हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो मून की ज्यादा होती है किसके कंसेप्ट में बात कर रहा हूं अर्थ के कंसेप्ट में बात कर रहा हूं सर ऐसा कैसे पूछिए ऐसा कैसे देखिए क्या होता है सर हमने तो हमेशा पता है पढ़ा है कि बॉडी जितनी बड़ी होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा होगी बिल्कुल सही पढ़ा है तो सर सन तो बहुत बड़ा है अगर हम कंपेयर करें मून और अर्थ के बारे में बिल्कुल सही बात है सन बहुत बड़ा है बट अगर मैं बात करूं अर्थ से जो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस है अर्थ से वो आपका बहुत ज्यादा है सन का इसी के कारण जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर लग रही है ज्यादा है और वहीं पर जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फिफ्थ बाई इलेवन है, किसके? है. अगर आपकी मून ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सन की जो ग्रेविटेशनल होगी सिर्फ फाइव पार्ट ही होगी दैट मीन जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है मून की ज्यादा है क्यों क्योंकि मून पास है ग्रेविटेशनल फोर्स तो सन की ज्यादा है बट डिस्टेंस अगर आपने लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में एफ इज इकल टू एफ इजिकल टू जी इज इकल टू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर दट मीन्स फोर्स इज या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली पर आर स्क्वायर एंड वॉट इज आर आर इज द डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम होगी ठीक है तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू तो द आर स्क्वायर दैट मीन जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम होगी तो आपका डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस ज्यादा है डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लेस है और मून का डिस्टेंस पास है दैट्स वाई यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मोर है ज्यादा क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट अब सेकंड पॉइंट समझिए बहुत क्लियरी पॉइंट के साथ हम क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पर ये यह फर्स्ट पॉइंट है अब देखिए क्या हुआ अब जो अर्थ है मून है और सन है क्या हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई मून ने बिल्कुल सही है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई सन ने अब इसकी जीवन ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी जी टू और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऐड हो गई ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई दोनों ऐड हो गई समझने की कोशिश करना मैंने क्या बताया ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी दोनों हो होगी अब ऐड होने के कारण यहां पर आपका टाइडल बल्ज बनेगा किसके कारण ग्रेविटेशनल के कारण और यहां पर बनेगी एक तरीके से हाई हाई टाइड एक तरीके से टाइड अब इस वाले एरिया का जो वाटर था वो भी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और इस वाले एरिया का वाटर भी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो यहां पर क्या बनेगी यहां पर बनेगी टाइड दोनों तरफ क्या बनेंगी टाइड अब क्या होगा जितनी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगी सेम यही बल्ज आपका अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा क्यों बनेगा ड्यू टू देंट्री फ्यूगल फोर्स ड्यू टू देंट्री फ्यूगल फोर्स समझ में आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जितनी यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगी अर्थ और उसके कारण आपका एक और टाइडल बनेगा पीछे की तरफ टाइडल बल्ज और जिसको हम बोलेंगे हाई टाइड दैट मीन्स यहां पर बनी एक हाई टाइड एक हाई टाइड यहां पर बनी और यहां पर भी लो टाइड बनी और यहां पर भी लो टाइड तो कंसेप्ट क्या बना कंसेप्ट बना आपका ये वाला यहां पर यह टाइडल बल्च ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और ये वाला टाइडल बल्च सेंट्री फ्यूगल ये ग्रेविटेशनल के कारण और एक बना सेंट्रीफ्यूगल के कारण और इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में बनी आपकी लो टाइड क्लियर है बताइए किसी को भी कोई डाउट ठीक है में किसी को भी कोई कंसेप्ट में किसी भी तरीके का तो हमने बात की कि टाइडल बल्च बनेगा अब क्या हुआ सर आगे कंसेप्ट समझाइए क्या क्या चीजें हुई अब आप चीजों को समझिए और मैं एक एक करके बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा अभी तक किसी भी तरीके से कोई डाउट देखिए यही तो बोला द स्टडी जो आपकी स्टडी सबसे पहले याद रखिए अगर स्टडी ऑफ टाइड्स आपसे पूछे तो क्या बोलते हैं टाइडोलॉजी अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्टडी ऑफ टाइड तो आपको बताना है टाइडोलॉजी टाइडोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ टाइड ठीक है जब हम स्टडी ऑफ टाइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसको टाइडोलॉजी बोलते हैं यहां पर ये मिक्स है यहां पर एनसीआरटी भी है यहां पर स्टडी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी है यहां पर पिल्डिम्स प्लस मेंस से पूरा कंप्लीट कवरेज है टाइड्स का इससे बाहर कुछ पोर्शन नहीं आएगा ठीक है द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशली एंड टेंपरेरली इट हैज अ ग्रेट वेरिएशन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट दैट मींस जो टाइड होती है ना इनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है इनका मैग्नीट्यूड वैरी करता है सर कैसे फ्रीक्वेंसी वैरी करती है कैसे मैग्नीट्यूड वैरी करता है अब आप आइए एक बार यहां पर फ्रीक्वेंसी कैसे में आपकी दो तरीके से होंगी देखिए आपकी टाइड है ना बेसिकली एक तो डाई यूरेनल टाइड होती है डाई यूरेनल टाइड एक होती है सेमी डाई यूरेनल टाइड एक तो होती है डाई यूरेनल टाइड मैं अभी आगे जाके और क्लियर करूंगा और एक होती है सेमी डाई यूरेनल टाइड सर व्हाट इज मींस डाई यूरेनल टाइड का मतलब है कि दिन में एक तो आएगी आपकी हाई टाइड और एक आएगी लो टाइड अभी समझाऊंगा कैसे आएंगे ये सारे ठीक है तो सर हमने बात की कि फोर आवर फिफ्टी मिनट में जाके हमारा जो मून है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है अर्थ के चारों तरफ तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 24 फोर आवर फिफ्टी मिनट को टू से तो ये आएगा आपका ट्वेल्व आवर ट्वेंटी मिनट दैट मीनस अगर आपकी डाय यूरेनल टाइड है तो उसके बीच में एक हाई टाइड आएगी आपकी ट्वेल्व आवर ट्वेंटी फाइव मिनट्स में और उसके बाद 12 आवर ट्वेंटी फाइव मिनट्स में एक लोटाइड आएगी ठीक है वहीं पर सेमी डाई टाइड्स में क्या होता है सेमी डाई टाइड्स में क्या होता है ये चीज देख लीजिए सर जो सेमी डायूरेनल टाइड्स है इसमें दो तो आएंगी टाइड और दो ही आएंगी टाइड ठीक है दो आएंगी टाइड और दो आएंगी टाइड तो मतलब क्या होगा इसमें आपका जो टाइड आने का डिफरेंस होगा सर वो टाइड आने का डिफरेंस होगा सिक्स आवर 12.5 मिनट में आपकी एक बार एक हाई टाइड आएगी फिर सिक्स आवर 12.5 मिनट में एक लो टाइड आएगी फिर एक हाई टाइड आएगी फिर एक लो टाइड आएगी क्योंकि अब मैंने ये 24 आवर मिनट को से 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 डिवाइड कर दिया। कितने से 4 से डिवाइड कर कर दिया, दिया, कितने क्योंकि जो सेमी डायूरिनल टाइड है इसमें दो हाई टाइड आएंगी और दो लो टाइड आएंगी आपकी बेसिकली पूरे दिन में समझ में आया अब मैं आपको दोबारा चीजों को क्लियर करूंगा ठीक है मून ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंड एंड टू असर एक्सटेंट सन ग्रेविटेशनल पुल दैट मीन मैंने बताया कि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइव बाई इलेवेंथ है किसके मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के तो डेट मीन क्या बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून एग्जर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है और सारा रोल प्ले करता है आर स्क्वायर दैट मीन्स जो उनके बीच में डिस्टेंस है ठीक है जो उनके बीच में डिस्टेंस है दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट मीन्स यहां पर ये सन है और सन और मून ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ अपने पीछे की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगी जिसके कारण एक और आपकी टाइड आपकी जनरेट होगी टाइड्स अकर ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन ऑल दीज फोर्सेस यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इन फोर्सेस को बैलेंस के कारण ही आपकी टाइड्स को अकर होती है क्या होती है टाइड्स अकर होती है ठीक है अब आ जाइए आप पॉइंट समझिए टाइडल बल्ज क्यों होता है टाइडल बल्ज क्यों होता है अब आप पॉइंट को समझिए टूगेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइडल बल्ज एक बार यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस वाले पॉइंट पर आपका एक बल्ज बनाया और सेम बल्ज आपका फॉर्मेशन तो होता है टाइड जनरेटिंग फोर्स द डिफरेंस बिटवीन द डीज टू फोर्सिज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ अर्थ पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है अब हम बात करते हैं आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या कांसेप्ट -क्या है कैसे-कैसे ये पूरा वैरी होता है देखिए समझने की कोशिश करना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू द मून अर्थ का जो मून का पार्ट नियरेस्ट होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी जितना मून अर्थ के पास होगा कब होता है अर्थ के पास कौन स्टूडेंट बताएगा मैंने दो कंडीशन बताई थी नंबर 1 इज एपोजी एपोजी और नंबर 2 मैंने बताई थी परजी मैंने बताया था जब एपोजी आएगी तो दैट मीन जो मून होगा वो अर्थ से वो फारदेस्ट होगा मतलब सबसे दूर होगा एपोजी में क्या होगा सबसे दूर होगा वहीं पर जो पर्जी होगी वॉट इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है कितनी हाई टाइड है कितनी लो टाइड है इस बेसिस पर भी हम टाइड को क्लासिफिकेशन करते हैं कि टाइड कितनी हाई है कितनी लो है अब मैं बात करूंगा न्यू मून और फुल मून के बारे में वॉट इज न्यू मून और फुल मून उसके कंसेप्ट में कैसे आती है ठीक है तो मैंने बात की एक बार तो फारदस्ट पॉइंट होगा जिसको हम अपोजी बोलते हैं जब अपोजी फारदस्ट पॉइंट होगा मतलब आपकी अर्थ से मून सबसे दूर होगा तो टाइड ऑबवियसली आपकी लो आएंगी या उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी क्यों क्योंकि सबसे दूर है अगर जितना पास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी स्ट्रांग होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी टाइट्स बनेंगी और वहीं पर जो पर्जी वाली कंडीशन है यहां पर आपका सबसे पास होता है मैंने बताया था ना पी से पर्जी पी से पास ए से एपोजी और ई ए, ए से अपार्ट तो, तो दैट मीन जब सबसे दूर होगा तब आपकी एपोजी होगी आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए थे एपीहीलियन पेरीहीलियन और एपोजी और पर्जी जब सन और अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं और जब सबसे पास होते हैं उसे हिलियन और सेम कंसेप्ट है आपका अर्थ और मून के कंसेप्ट में जब मून अर्थ के सबसे पास होगा उसको हम बोलेंगे परजी और जब सबसे दूर होगा उसको हम बोलेंगे एपोजी ठीक है एपोजी मतलब आपका सबसे दूर जब आपका देखिए ये क्या है यहां पर अगर मैं बात करूं अर्थ है और ये अर्थ के चारों तरफ आपका मून एक इलेप्टिकल पाथ में रेवोल्यूशन कर रहा है जब ये सबसे पास आ जाएगा मून तो इस वाले पॉइंट से तो अर्थ को हम बोलेंगे पर्जी क्या बोलेंगे पर्जी और वहीं पर जब सबसे दूर चला जाएगा मून तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे एपोजी ठीक है और जब आपका सबसे पास होगा तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा यही रीजन है कि वहां पर आपकी टाइड्स भी ज्यादा स्ट्रांग आएंगी अब आप चीजों को समझ रहे होंगे और, और बेटर वे में चीजों को समझ जाओगे आइए फटाफट देखिए ये मेरा आपका सन है ये अर्थ है और यहां पर मून है ठीक है और यहां पर है आपका सन अब समझने की कोशिश करना यहां पर है आपका सन ठीक है अब क्या हुआ अब यहां पर मून ने और यहां पर सन ने दोनों ने एक ग्रेविटेशनल पुल लगाया अर्थ के सरफेस पे क्या लगाया एक ग्रेविटेशनल पुल लगाया और इस कंडीशन को बोलेंगे फुल मून इस कंडीशन को बोलेंगे फुल मून मतलब क्या है मतलब अब अर्थ के ऊपर आपका पूरा मून आपको दिखेगा दैट मींस फुल मून दिखेगा कंप्लीट मून दिखेगा अगर बेसिकली मैं बात करूं एक इसको बोलेंगे फुल मून और जब फुल मून वाली कंडीशन होगी फुल मून वाली कंडीशन होगी फुल मून को क्या बोलते हैं बताइए आप इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स इसको क्या बोलेंगे जब सोलर इक्लिप्स वाली कंडीशन आएगी फुल मून मतलब जब सो कैरेक्टरिस्टिक सब चीजें बता दूंगा अभी आप चीजों को समझिए बस यहां पर है फुल मून वाली कंडीशन ठीक है और जब ये फुल मून वाली कंडीशन होगी जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स क्या बोलते हैं सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण क्यों क्योंकि यहां पर जो सन है इसके ऊपर की तरफ पूरा मून ने कवर कर लिया एक सिंगल लाइन में आके इसको क्या बोलेंगे सोलर इक्लिप्स जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूर्य ग्रहण और यहां पर जब ये कंडीशन बनेगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एम वन और एस वन ये दोनों फोर्सेज यहां पर लगेंगी और जब दोनों फोर्सेज लगेंगी तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो यहां पर एक टाइड बनेगी जिसको हम बोलेंगे ठीक है ओके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अब क्या होता है देखिए समझने की कोशिश करना अब मैंने बताया यहां पर एक फोर्स लग गई यहां पर क्या हुआ एक तरीके की फोर्स लग गई अब दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा अब दूसरा कंसेप्ट आपको मैं और अच्छे से समझाता हूं अब देखिए सन ठीक है समझने की कोशिश करना मून और यहां पर है अर्थ तीनों एक लाइन में है तीनों एक लाइन में यहां पर एक बल जनरेट हो गया टाइडल फोर्स का फॉर्मेशन हो गया ठीक है ये केस वन है ये केस वन है आपका ये केस वन है अब मैं बात करता हूं केस टू के बारे में अब मैं बात करता हूं केस टू के बारे में यहां पर ये सन है अब क्या हुआ ये अर्थ है अब मून ने जो रेवोल्यूशन किया अब मून यहां पर आ गया रेवोल्यूशन करके अब यहां पर मून कहां पर आ गया इस वाले पॉइंट पर आ गया हां अकेडमी पर मेरा एनसीआर के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत जल्दी मैं आपके और कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूं अन अकेडमी के ऐप पर जो सब्सक्रिप्शन है तो इस वाली कंडीशन को बोलेंगे फुल मून इस वाली कंडीशन को बोलेंगे फुल मून ठीक है और इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे न्यू मून इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे न्यू मून सर दोनों में क्या डिफरेंस है फुल मून और न्यू मून दोनों में क्या डिफरेंस है आप चीजों को समझना ये सन है ये मून है इसका फोर्स लगा टाइडल बल्ज बनी और यहां पर भी आपकी टाइडल बल्ज ठीक है अब क्या हुआ ये सन था और यहां पर बीच में मून था ये मून रेवोल्यूशन करके यहां पर आ गया और इसको बोलेंगे न्यू मून और न्यू मून मतलब चंद्र ग्रहण यहां पर ये वाली कंडीशन होगी फुल मून जिसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण और यहां पर बनेगी न्यू मून जिसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण अब क्या होगा देखिए क्यों चंद्र ग्रहण क्योंकि मून की अपनी तो लाइट होती नहीं मून की अपनी तो लाइट नहीं होती किसकी लाइट होती है सन की लाइट होती है अब क्या हुआ सन और मून के बीच में आ गई आपकी अर्थ तो मून को तो लाइट नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आ जाएगी न्यू मून और चंद्र ग्रहण की कंडीशन अब क्या होगा अब यहां से सन की फोर्सेस लग रही है और यहां से मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो यहां पर भी टाइडल बल्ज बनेगा और यहां पर भी टाइडल बल्ज बनेगा और इन दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग टाइड बनेंगी इन दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग टाइड बनेगी मतलब कि हाई टाइड्स बनेंगी इन दोनों ही कंडीशन में हाई टाइड बनेगी सर दोनों में क्या डिफरेंस है पॉइंट है ना दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए सर आपने बताया जब सन और मून दोनों एक कंडीशन में है एक लाइन में है और आपका दोनों की फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कंबाइन हो रही है तब भी आपकी स्प्रिंग टाइड और हाई टाइड बनी और जब यहां पर सन है और मून दोनों आपके अर्थ इनके बीच में आ गया तब भी स्प्रिंग टाइड और हाई टाइड बन रही है दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं देखिए दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो ये है कि यहां पर जो टाइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर सॉरी एक मिनट यहां पर ये मून है यहां पर आपका एक बल्ज बना और एक बल्ज यहां पे बना तो यहां पर जो टाइड बनेगी इस टाइड को बोलेंगे हाई हायर टाइड्स हाई हायर टाइड्स मतलब जो स्प्रिंग टाइड होगी ना वो जो हाई टाइड होगी उससे 20 परसेंट हायर होगी जो नॉर्मल हाई टाइड होगी उससे 20 परसेंट हायर होगी जब सन और मून दोनों एक ही लाइन पर आ जाए ठीक है मूल की पोजीशन हाई हायर टाइट्स और इस वाले पॉइंट पर क्या होगा यहां पर बनेंगी लो लोअर टाइट्स लो लोअर टाइट्स क्यों क्योंकि यहां पर जब हाई हायर टाइट्स बनी तो ये वाले पार्ट का जो वाटर लेवल है ये वाटर लेवल शिफ्ट होके इस डायरेक्शन में आ गया ये वाटर लेवल इस डायरेक्शन में आ गया दोनों तरफ तो क्या बना हाई हायर टाइड्स और यहां पर बनी लो लोअर टाइड्स इट low, अब क्या हुआ सर जब सन इधर की तरफ है मून इधर की तरफ है तो यहां पर क्या बनी स्ट्रिंग टाइड बनी बट ये है आपकी सिंपली टाइड इनको बोलेंगे सिंपली टाइड और इसको बोलेंगे सिंपली लो टाइड समझ में आ गया इसको बोलेंगे हाई टाइड और इसको बोलेंगे आपका लो टाइड ठीक है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको यहां तक ये यह दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे जब आपका दोनों एक डायरेक्शन में है सन और मून तो क्या होगा हाई हायर टाइड्स बनेगी लो लोअर टाइड्स बनेगी और यहां पर जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए और इसको बोलेंगे हम आपका यहां पर हाई टाइड्स बनेगी यहां पर लो टाइड्स और यहां पर ज्यादा हाई हायर और लो low, लोअर बनेगी क्योंकि फोर्सेज इस वाले पार्ट पर मैक्सिमम लग रही है अब एक केस तो ये बनता है दूसरा केस बनता है आपका निपटाइड का दूसरा केस बनता है आपका निपटाइड का वट इज निपटाइड मैं आपको चीजें समझाऊंगा इब क्या होता है फ्लो क्या होता है सारी चीजें बताऊंगा देखिए दो चीजें होती हैं आपकी टाइड्स में एक होती है इब और एक होती है आपकी फ्लो उससे पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता आ जाइए फटाफट जल्दी से हमने क्या बात की थी सन अर्थ और मून जब तीनों एक लीनियर लाइन में आ जाए तब हमने बात की थी स्प्रिंग टाइड की जब तीनों एक ही लाइन में आ जाए चाहे आपका मून यहां पे आ जाए या मून यहां पे आ जाए जब मून यहां पे आएगा तो आपकी हाई हायर टाइड्स बनेंगी और लो लोअर टाइड्स बनेंगी इस वाले एरिया में हाई हायर टाइड्स बनेंगी और इस वाले एरिया में लो लोअर टाइड्स बनेंगी बट अगर आपका यहां पे मून आता है तो आपकी सिंपली हाई टाइड और इस वाले एरिया में लो टाइड बनेंगी ये हमने बात की स्प्रिंग टाइड की और स्प्रिंग टाइड का मतलब होता है हाई टाइड अब बात करते हैं नीप टाइड के बारे में और जिसको हम बोलते हैं लो टाइड क्या बोलते हैं नीप टाइड और आपकी लो टाइड इसको आप चीजों को समझने की कोशिश करना स्प्रिंग टाइड और आपकी जो ये वाली टाइड है नीप टाइड इसको बोलेंगे नीप टाइड इसमें क्या होगा सर नीप टाइड में क्या होगा नीप टाइड में, में होगा कि जब सन और अर्थ और मून दैट मीन्स जब सन और मून के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने यानी कि जो सन और मून है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे आ जाए जो सन और मून है वो एक दूसरे के राइट right एंगल में आ जाए ठीक है समझने की कोशिश करना मैंने क्या बात की जो सन बेसिकली मैं बता रहा हूं जो आपका 90 परसेंट ये कंडीशन जो मैंने इक्लिप्स की बताई है वो बेसिकली बनती है अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो सन है अर्थ है और मून है सन और मून इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए सन और मून के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए और ये 90 डिग्री का एंगल आपका दो बार बनेगा देखिए फर्स्ट क्वार्टर एक पहला क्वार्टर है ठीक है समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अगर मैं आपको चलो वो भी ना समझाओ यहां पर आइए ये वाला पोर्शन है फर्स्ट क्वार्टर ये वाला है सेकेंड ये है थर्ड और ये है फोर्थ तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब यहां पर आपकी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी और मून की कंडीशन दो हो सकती है मून की कंडीशन क्या हो सकती है दो हो सकती है मतलब क्या है सर मतलब अगर मैं सिंपली बात आपसे करूं आप यहां पर देखिए एक बार तो मून यहां पर आपका आ सकता है क्योंकि तो मून क्या कर रहा है मून रेवोल्यूशन कर रहा है तो मून रेवोल्यूशन करेगा तो सबसे पहले तो मून यहां पर आ गया रेवोल्यूशन करते हुए मून कहां पर आ गया इस वाले पॉइंट पर आ गया तो मून आ गया सन और मून के बीच में आ गया 90 डिग्री इधर से सन लगा रहा है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी तरफ लगा रहा है सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स मून की तरफ लगा रहा है सन क्या कर रहा है अपनी मून की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और वहीं पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है आपका यहां से मून यहां से सन ने लगाया यहां से मून ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई जब दोनों ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई तो आपका इधर की तरफ टाइड का फॉर्मेशन होता है इधर की तरफ टाइड का फॉर्मेशन होता है ये आपकी हाई टाइड होंगी ये हाई टाइड होंगी बट नॉट सो हायर बट नॉट सो हायर समझना इस पॉइंट को हाई टाइड बट नॉट सो हायर क्यों क्योंकि सन का और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैंसिल हो गया क्योंकि सन ने इधर से लगाया इधर से मून ने लगाया तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल हो गए तो यहां पर हाई टाइड का फॉर्मेशन तो होगा बट नॉट सो हायर हमने पीछे की तरफ दो कंडीशन पढ़ी थी हमने पीछे वाले में क्या कंडीशन पढ़ी थी एक तो हाई हायर टाइड्स पड़ी थी एक पढ़ी थी लो लोअर टाइड्स पड़ी थी जब हाई हायर टाइड्स और लो लोअर टाइड्स कब आएंगी जब सन और आपका मून अर्थ के सेम साइड में अपोजिट डायरेक्शन में हो और हमने पढ़ी थी एक हाई टाइड और लो टाइड की कंडीशन हाई टाइड और लो टाइड की ये तब बनी थी जब यहां पर सन था यहां पर अर्थ थी और यहां पर मून था ये वाली कंडीशन तब पड़ी थी अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी दोबारा हाई टाइड तो आई है बट नॉट सो हायर बट नॉट सो हायर ये भी हाई टाइड है बट नॉट सो हायर इतनी ज्यादा हायर नहीं है क्यों क्योंकि दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैंसिल हो गई है यहां पर क्या होगा इस वाले एरिया में आपकी बनेगी लो टाइड इस वाले एरिया में बनेगी आपकी लो टाइड लो टाइड बट नॉट सो लो Not so low. क्यों? क्योंकि यहां पर जो हाई टाइट बनी है ना वो इतनी हाई नहीं बनी है सेम इसी तरीके से जो लो टाइट देखिए पर तो हाई नहीं बनी है तो यहां का जो वॉटर है ना वो ज्यादा इस वाले पार्ट पे नहीं आ पाएगा तो ये लो टाइट तो होगी बट नॉट सोलो so इतनी ज्यादा लो टाइट आपकी नहीं होगी काउंटर क्या होगा देखिए जो काउंटर होगा ना वो काउंटर बेसिकली आपका सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही है मून की ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही है तो यहां पर यह है आपकी अगर मैं बात करूं फोर्स लगी आपकी टेन ठीक है और मून की फोर्स लगी आपकी फिफ्टीन तो कहीं ना कहीं दोनों की फोर्स कैंसिल हो रही है ना क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में

ये तो फर्स्ट क्वार्टर है और इसको बोलेंगे थर्ड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे भी आपकी बनेगी नीप टाइड यहां पर भी आपकी बनेगी नीप टाइड ठीक है नीप टाइड में भी क्या होगा आपकी जो हाई हायर टाइड्स होंगी वो नॉट सो हायर होंगी और लो लोअर टाइड नॉट सो लोअर होंगी किसी को भी कोई भी डाउट हाई हायर टाइड लो लोअर टाइड में किसी भी तरीके का देखिए यही तो पॉइंट बोला है कि जो आपका अपोजी और पर्जी है उसमें आपको कुछ समझने की कोशिश नहीं करनी अब मैं आपको यहां पर आती है देखिए यहां पर आइए आपको चीज सारी चीजें समझ जाएंगे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ समझना इस पॉइंट को आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो मैंने टाइड्स के बारे में समझाए आपको देखिए इक्लिप्स का रीजन क्या है एक तो हो रहा है एक्लिप्स हो रहा है उससे टाइड के होने पर कोई फर्क नहीं आ रहा है बट जब एक्लिप्स की कंडीशन बन रही है उस एक्लिप्स की कंडीशन के कारण ही तो आपकी टाइड आ रही है जब यहां पर आपका समझने की कोशिश करना जब यहां पर आपका क्या बन रहा है यहां पर फुल मूल बन रहा है और इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स तो सोलर एक्लिप्स के कारण आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी जीवन मून की और जी टू दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एड होके इस पर लग रही है वो किस कंडीशन पे लग रही है सोलर इक्लिप्स पे और फुल मून की कंडीशन पे तो इससे जो फुल मून और आपका सोलर एक्लिप्स आ रहा है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बट वो सोलर एक्लिप्स और जो आपका फुल मून की कंडीशन है वो तभी क्रिएट हो रही है जब तीनों एक लाइन पे आ रहे हैं और तीनों एक लाइन पे आने के कारण फोर्स ज्यादा लग रही है ठीक है समझ में आ गया फिर उसी की तरफ जब ये मून यहां पर है उसकी जगह अगर ये मून यहां पर आ गया तो क्या होगा यहां पर इसको बोलेंगे आपको न्यू मून, न्यू मून और लूनार इक्लिप्स लूनार इक्लिप्स तो अब क्या होगा अब यहां पर मून की अलग फोर्स है और सन की अलग फोर्स है जिसके कारण आपकी जो फोर्स लग रही है वो आपकी वेरी कर रही है यहां वाली कंडीशन में तो सोलर इक्लिप्स में तो आपका फुल हाई हाई टाइड्स बनेंगी हाई हायर टाइड्स और यहां पर बनेंगी लो लोअर टाइट्स बट यहां पर क्या बन रही है सिर्फ हाई टाइड और लो टाइड का फॉर्मेशन क्लियर है किसी को भी समझ में आप कंफ्यूज मत होइए कि सर सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स से ही हो रहा है बेसिकली जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स है ना उनके वो कब बन रहे हैं जब ये सेम लाइन पर आ रहे हैं और सेम लाइन पर आने से ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरी हो रहा है ठीक है किसमें वेरिएशन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स में वेरिएशन हो रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ द अट्रैक्टिव फोर्स इज इज लेस एट फर्दर अवे फ्रॉम द मून देंट्री फ्यूगल फोर्स इज डोमिनेट यहां पर क्या हुआ मून और सन की दोनों की फोर्सेज लगी अब जब फोर्सेज लगी तो क्या हुआ यहां पर एक टाइडल बल्ज बन गया ठीक है और इसके अपोजिट साइड जो टाइडल बल्ज बनेगा वो आपका बनेगा किसके कारण सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ठीक है अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किस तरीके से हो रहा है द मूवमेंट ऑफ मून इन रिलेशन टू द अर्थ अब आ जाइए फटाफट आइए देखिए यहां पर ये रहा मून यहां पर ये रहा सन समझने की कोशिश करना इस वाली कंडीशन में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बन रही है स्प्रिंग टाइड बन रही है यहाँ पर क्या बन 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 रही 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 है 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 स्प्रिंग टाइड बन रही है। सर कैसे बन रही है? एक बार देखिए यहां पर स्प्रिंग टाइड में जो टाइड आई है बेसिकली आप एक पॉइंट देखिए समझने की कोशिश करना कितना अच्छा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं ये मेरा का सरफेस है ठीक है जब ये दोनों सेम लाइन में आ गए यहां पर आपका मून और ये दोनों एक लाइन में आ गए तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों की एड हो गई तो यहां पर जो टाइट देख रहे हो वो बाहर की तरफ आ रही है अगर बेसिकली आप नॉर्मल टाइट देखेंगे तो ये है बट आप इस कॉन्टेक्स में देख रहे हो तो बाहर की तरफ आ रही है इसका क्या मतलब है जो टाइट्स आई है ना वो हाई हायर टाइट्स आई है क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स और जब आपकी यहां पर वाटर जो ये वाला पार्ट था वो इधर की तरफ ज्यादा आ गया सेम इधर की तरफ जो वाटर था वो आपका और कम हो जाएगा अगर आप नोटिस कर रहे हो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर वाटर लेवल ज्यादा है साइड में और इस वाले एरिया में वाटर लेवल कम है क्यों क्योंकि अब आपका जो वाटर था ये वाला दोनों पार्ट का वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया क्यों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा थी और इधर वाले पार्ट में आपकी बन गई लो लोवर टाइड लो लोअर टाइड एक तो ये कंडीशन बनी ठीक है अब क्या होगा एक कंडीशन तब बनेगी जब ये मून दोबारे यहां पर रेवल्यूशन करके यहां पर आ जाएगा और उस टाइम पे बनेगी सिर्फ हाई टाइड और आपकी लो टाइड उस टाइम पर बनेगी हाई टाइड और लो टाइड ठीक है ओके okay, अब यही तो देखिए टाइट्स वेरी इन देयर फ्रिक्वेंसी डायरेक्शन एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम देखिए क्या होता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिस एरिया की जितनी ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी मतलब जिसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जितनी बड़ी होगी वहां पर टाइड्स का फैक्टर होगा ज्यादा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अलग से आएगी आपकी हाई टाइट और लो टाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेरी करेगी ओपन सी कितना ओपन है कितना क्लोज है अगर आप बे की बात करेंगे गल्फ की बात करेंगे वहां पर टाइड्स बहुत हाई आएंगी क्यों क्योंकि वो क्लोज सी है वाटर का मूवमेंट कम हो रहा है और जब आप इतने सारे वाटर में कोई वाटर का मूवमेंट करेंगे तो वहां पर लो टाइड आएगी तो ओपननेस और आपका ओपननेस जो सी का होता है उसके कारण टाइड्स में फैक्टर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके कारण आपका टाइड में फैक्टर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है उसके कारण आपकी टाइड की जो हाइट है उसमें वेरिएशन आती है ठीक है ये आपको चीजें समझ में आ गई समझ में आ गए अब मैं बात करता हूं ये मैंने बात की आपकी फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर और फ्रिक्वेंसी के बेसिस पर हम टाइड्स को पढ़ेंगे दो तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी सबसे पहले आता है सेमी डाययूरेनल टाइड जो सेमी डाययूरेनल टाइड होती है ना वो बेसिकली उसमें दो तो हाई टाइड आएंगी और दो लो टाइड आएंगी ठीक है दो हाई टाइड आएंगी और दो लो टाइड आएंगी और इसमें क्या आएगा पहले तो सक्सेसिव दो हाई टाइड आएंगी सक्सेसिव दो हाई टाइड आएंगी और फिर सक्सेसिव दो लो टाइड आएंगी और याद रखना इनकी कहीं ना कहीं जो अप्रोक्सीमेशन होती है वो सेम होती है मतलब पहले एक बार हाई टाइड आई फिर हाई टाइड आई और फिर लो टाइड आई और फिर लो टाइड आई तो क्यों साइड क्या है आपका सेमी डायूरेनल देखिए अगर मैं बात करूं डनल के बारे में डाय का मतलब होता है दो बार दिन में दो बार और सेमी डायूरनल मतलब दिन में चार बार और आपका जो मून है वो ट्वेंटी फोर आवर 50 मिनट में पूरा रेवोल्यूशन करता है तो 24 फोर आवर फिफ्टी मिनट डिवाइडेड बाय फोर तो दैट मीन सिक्स आवर 12.5 मिनट में आपकी एक हाई टाइड आएगी फिर सिक्स आवर ट्वेंटी ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिनट में एक और हाई टाइड आएगी फिर लो टाइड आएगी फिर लो टाइड आएगी तो दिन में चार बार आपकी जो सेमी डायुरेनल टाइड होती हैं, दो हाई टाइड आती हैं, दो लो टाइड आती हैं और दोनों के बीच में जो गैप होता है वो सिक्स आवर ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिनट का आपका होता है ये पॉइंट समझ में आ गया समझ में आ गया हाँ मिक्स टाइड भी आती है बिल्कुल अभी पढ़ाऊंगा आप देखिए सब चीजें मैं समझाने वाला हूँ क्या होती है डायूरेनल टाइड है है सारी चीजें कोई भी कोर्स का एक भी पार्ट है ना टाइम पास नहीं होगा ठीक है कोई भी चीजों में टाइम पास नहीं होगा सारी चीजों को कवर करेंगे कौन सी डायूरनल कौन सी मिक्स टाइड होती है सारी चीजों को मैं कवर करूंगा ठीक है अब देखिए लो टाइड कैसे आया देखिए जब यहां पर मून है तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहां पर हाई टाइड आई यहां पर हाई टाइड आई यहां पर एक लो टाइड यहां पर लो टाइड मतलब दो तो सक्सेसिव हाई टाइड आई और दो सक्सेसिव लो टाइड आई दो सक्सेसिव हाई टाइड और दो सक्सेसिव लो टाइड जब वाटर लेवल ऊपर की तरफ चला जाए तो हाई टाइड और जब दोबारा वापिस आ जाए इस लेवल पर तो आपकी लो लोटाइड ठीक है तो ये कब होगा आपका सेमी डाइरेनल उसके बाद व्हाट इज इव एंड व्हाट इज फ्लड देखिए दो चीज होती है इब क्या होता है और फ्लड क्या होता है इस चीज को समझिए व्हाट इज इब एंड व्हाट इज फ्लड देखिए समझने की कोशिश करना जब टाइड जब टाइड अपनी सबसे हायर कंडीशन पे चली जाए जब हाई टाइड आए जब टाइड देखिए दो तरीके से एक बार तो प्रियोडिक राइज एंड फॉल के बारे में बात की थी वॉट इज टाइड टाइड है प्रियोडिकली राइज एंड फॉल जब आपकी टाइड पीरियोडिकली राइज करेगी तो उसको हाई टाइड बोलेंगे और जब आपकी टाइड फॉल करेगी तो लो टाइड को हम बोलते हैं इब लो टाइड को क्या बोलते हैं इब मतलब क्या मतलब आपका सर जो हाई टाइड होने के बाद जब टाइड वापस आएगी लो टाइड आएगी तो उसको जब वो वापस आ रही होगी उस करंट को बोलते हैं इब ठीक है इब बोलते समझ में आ गया तो दैट मीन्स क्या है आपका सर बेसिकली ये आपका एक तरीके से हाई और लो टाइड के जो लो टाइड वाला पार्ट है उसको इब बोलते उसको इब बोलते ठीक है क्लियर है? है इब किसको बोलते हैं अब हम बात करते हैं व्हाट इज फ्लो द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड को हम क्या बोलेंगे इब देखिए यहां पर दो चीजें एक तो होता है फ्लो और एक होता है यहां पर ये मेरी आपकी हाई टाइड गई ठीक है अब उसके बाद ये आपकी दोबारा लो आएगी तो इन जो लो और जो हाई के बीच में पूरा टाइम लगा और जो नीचे का लो पार्ट है इस पे आने तक जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे इब ठीक है एक चीज होती है फ्लो एक चीज होती है फ्लो व्हाट इज फ्लो फ्लो होता है सर जो ये हाई टाइड है और जो ये लो टाइड है इन दोनों में जो डिफरेंस है जो इनके लेवल में डिफरेंस है उसको बोलते हैं फ्लो मतलब जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फ्लो ठीक है द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड इज नोन एज फ्लो एंड हिड ठीक है बेसिकली यहाँ पर टाइम नहीं यहाँ पर आपका फ्लो का जो टोटल लेवल है उसको हम बोलते हैं फ्लड हाई टाइड और लो टाइड में आपका जो लेवल होता है उसको फ्लो बोलते हैं और इब बोलते हैं किसको इब बोलते हैं जब आपका टोटल टाइम लगता है एक हाई टाइट से एक लो टाइट तक इन दोनों को एक बार चीजों को समझिए मैं दोबारा समझाता हूं आइए दोबारा समझा देता हूं देखिए क्या हुआ आपकी यहां पर ये यह हाई टाइड आई यहां पर ये यह लो टाइड आई समझ में आ गया तो क्या है जब इस हाई टाइड को और इस लो टाइड में पहले आपकी हाई टाइड आई मान के चलिए आपकी हाई टाइड आ गई उसके बाद आने वाले एक आवर के बाद आपकी लो टाइड आ गई या अगर मैं बात करूं जैसे मेरी हाई टाइड आई दोपहर के 12 नून पर आई और उसके बाद जो लो टाइड आई वो आई आपकी 4 पीएम तो इसके बीच का जो टाइम है इसको बोलेंगे इब इसको बोलेंगे इब ठीक है अब क्या होता है व्हाट इज फ्लो फ्लो क्या होता है फ्लो होता है जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है इनके जो वाटर लेवल में डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फ्लो इनके जो टाइम बिटवीन नहीं इनके लेवल में वाटर के लेवल में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं फ्लो ठीक है ये बेसिकली यहां पर ये हाई टाइड है और ये लो टाइड है इसके बीच में जो है उसको फ्लो बोलते हैं ऑल टाइड्स अकर ट्वाइस आ डे एंड देयर इंटरवल इज नॉट एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर्स देखिए मैंने क्या बताया मैंने अभी बताया आपको टाइड्स दो तरीके से आएंगी एक तो आएगी हाई टाइड और एक आएगी लो टाइड वो मैंने डाययूरेनल बताया और एक सेमी डाययूरेनल बताया उसमें दो हाई टाइड्स आएंगी और दो लो टाइड्स आएंगी तो हमने बात की अगर हमारी डाययूरेनल टाइड आएंगी जिसमें क्या होगा आपकी दो एक तो आएगी हाई टाइड और एक आएगी लो टाइड ठीक है तो इन्होंने बोला कि अगर आपका 24 फोर आवर ये एवरेज मान के चल रहे हैं बट बेसिकली जो रेवोल्यूशन होता है वो 24 फोर आवर 50 मिनट में होता है तो मैं एग्जैक्ट डाटा लेके चलूं तो 12 आवर 25 मिनट के अंदर आपकी एक हाई टाइड और एक लो टाइड में गैप होगा तो यही तो लिखा है कि अगर हमारी टाइड दिन में दो बार आ रही है तो उनमें जो टाइम डिफरेंस होगा वो हमेशा एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर्स नहीं होगा एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर्स नहीं होगा हमेशा याद रखना वो कभी भी एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर्स नहीं होगा ठीक है एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर्स नहीं होगा ठीक है दे अकर एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ एंड ट्वेंटी चेंजिंग रिलेटिव पोजिशन ऑफ मून एंड द सन जो मून और सन की रिलेटिव पोजिशन है उसके कारण ये एग्जैक्टली ट्वेल्व आवर ट्वेंटी मिनट्स के बीच में आपकी एक हाई टाइड और लो टाइड होती है दिस इज बिकॉज द मून रिवॉल्व द अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से मून भी रेवोल्यूशन करता है अब बिट ईस्ट इट ऑब्जर्व द सेम प्लेस ऑन दैन सेम टाइम टू कंजिक्यूटिव डेज तो एक दो कंसेक्यूटिव डेज पर सेम उस पर नहीं हो सकता जिसके कारण आपका यहां पर 12 आवर 25 मिनट्स के अंदर आपका गैप होता है एक हाई टाइड और एक लो टाइड में ठीक है ये आपको समझ में आ गया वहीं पर आपका लिखा साउथ हेम्पटन एक्सपीरियंस टाइड इन सिक्स इंग्लिश दिस क्यों क्योंकि आपका जो नॉर्थ सी है और जो इंग्लिश चैनल है वो आपका यहां से वाटर को पुश करता रहता है ये इंग्लिश चैनल है और जो नॉर्थ सी है ना ये वाटर को पुश करता रहता है जिसके कारण यहां पर जो टाइड्स होती हैं वो आठ से छह से आठ बार आती है क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका साउथ साउथहैम्पटन है वहां पर आपकी जो टाइड्स है वो ज्यादा क्यों आती हैं क्योंकि सर यहां से नॉर्थ सी का वाटर पुश होता है यहां से इंग्लिश चैनल का जिसके कारण आपकी टाइड्स ज्यादा आती है। ठीक है अब बात करते हैं डाय टाइड टाइट डायूरेनल में क्या होगा एक सिर्फ हाई आएगी और एक सिर्फ लो आएगी एक हाई और एक लो और जो ये हाई लो आएगी ये ट्वेल्व आवर ट्वेंटी फाइव मिनट्स के अंदर आएगी ठीक है सक्सेसिव हाई एंड लो टाइट्स आर अप्रोक्सीमेटली एट द सेम हाइट मतलब जो इसकी हाई टाइड आएगी फिर लो टाइड आएगी और जो दूसरी हाई टाइड आएगी इनकी जो हाइट होगी वो सेम होगी सेम हाइट होगी ठीक है ओके अब बात करते हैं मिक्स टाइड मिक्स टाइड क्या होता है ये आपकी जैसे हमने बात की थी जो आपकी डाय सेमी डाई है उसमें जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है और फिर हाई टाइड है जो इनकी हाइट है वो बेसिकली आपकी सेम बताई गई थी वहीं पर जो मिक्स टाइड है यहाँ पर हाई टाइड फिर लो टाइड फिर हाई टाइड की जो वेरिएशन होगी वो ज्यादा होगी फिर लो टाइड नीचे होगी फिर आपकी जो यहाँ पर टाइड्स होंगी ना उनकी जो हाइट है अगर आप देख पा रहे हैं वो सेम नहीं है दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं मिक्स टाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं मिक्स टाइड बोलते हैं समझ में आ गया क्यों क्योंकि आपका देखिए मैप नहीं है बेसिकली ये आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया कि यहाँ पर जो मिक्स टाइड होती है ना मिक्स टाइड में क्या होगा पहले आपकी हाई इतनी हाई नहीं होगी फिर हाई हायर टाइड्स होगी लो लोअर टाइड्स फिर आपकी ज्यादा हाई नहीं होगी फिर हाई टाइड होगी तो जो हाइट है ना आपकी जो डायूरल और सेमी डायूरनल में आपकी हाइट सेम होती थी वो यहां पर हाइट सेम नहीं है इस पॉइंट को याद ठीक है हाइट सेम नहीं है टाइड्स वेरिएशन इन हाइट्स आर एंड जनरली कहां पर करेंगी वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन में जो पैसिफिक ओशियन है और वेस्ट कोस्ट है आपकी नॉर्थ अमेरिका की उस वाले पार्ट में आपकी हाई टाइट्स में जो मिक्स्ड है आपकी हाइट वो वेरी करेंगी आपकी इनकी हाइट उन्हें बोलते हैं मिक्स्ड टाइट टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अर्थ सन एंड द मून यहां पर हमने बात की द हाइट ऑफ राइजिंग वॉटर हाई टाइड जो ये है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे सन की अर्थ की मून पे वहीं पर अगर मैं बात करूं अगर पोजीशन यहां पर ये वाली कंडीशन है स्प्रिंग टाइड की ये वाली कंडीशन है स्प्रिंग टाइड की स्प्रिंग टाइड और क्या बोल सकते हैं इस वाली कंडीशन को बोल सकते हैं हाई टाइड और ये वाली कंडीशन है नीप टाइड की जिसको हम बोल सकते हैं लो टाइड सर दोनों में क्या डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है ये हाई टाइड है बट आप देखिए यहां पर ये जो सन है और ये मून है ये अर्थ के इस वाले कंडीशन पे है कौन से कंडीशन पे जहां पे आपका दिखेगा फुल मून जहां पे फुल मून दिखेगा सोलार एक्लिप्स वाली जो कंडीशन होगी इस वाली कंडीशन में हाई हायर टाइड्स होंगी और लो लोअर टाइड्स होंगी वहीं पर जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो यहां पर बनेगा आपका लूनार इक्लिप्स और न्यू मून लूनार इक्लिप्स और न्यू मून यहां पर क्या होगा यहाँ पर आपकी टाइट्स सिर्फ हाई और लो टाइट्स बनेंगी और यहां पर हाई हायर टाइट्स और लो लोअर टाइट्स बनेंगी मून की पोजीशन वेरी कर रही है बस किसमें स्प्रिंग टाइड में यहां पर क्या है स्प्रिंग टाइड और हाई टाइड मून की पोजीशन वेरी कर रही है अब बात करते हैं नीप टाइड की नीप टाइड हमेशा तब होगी जब आपका सन और मून के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा एंगल right पे होगा तो यहाँ पर राइट right एंगल के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और काउंटर करेगी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रही है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है अब आप एक चीज दिखाइए इसकी ऊपर की तरफ और इसकी इधर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगने के कारण यहाँ पर जो हाई टाइट बनेगी वो हाई टाइट बट नॉट सो हाई बनेगी और इधर की तरफ जो लो टाइड्स बनेंगी वो लो टाइड्स बट नॉट सो लो टाइड टाइड बनेंगी ये नीप की कंडीशन आपके सामने आ गई है जिसको डाउट डाउट है वो क्वेश्चन पूछ सकता है ये देखे मैंने स्प्रिंग टाइड के बारे में बताया स्प्रिंग टाइड कब बनेगी एक बार तो न्यू मून के कंडीशन पे बनेगी किस पर न्यू मून इसको क्या बोलेंगे सोलर इक्लिप्स और एक बार बनेगी फुल मून की कंडीशन पे इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम हाँ आपका लूनार इक्लिप्स लूनार इक्लिप्स इसमें हाई हाई टाइड्स बनेंगी लो लोअर टाइड्स बनेंगी इसमें हाई टाइड्स बनेंगी और लो टाइड्स बनेंगी उसके बाद ये आपकी इक्लिप्स की कंडीशन हो गई और आप दोनों में चीजों को नोटिस कर सकते हैं अगर बेसिकली आप देखेंगे ठीक है उसके बाद एक तीस यहां पर आप देख लीजिए एक तो सोलर टाइड्स है और एक लूनर टाइड्स है ठीक है सोलर टाइड्स कब है सोलर टाइड्स है जब आपका इस वाले कंडीशन में कब बन रही है सोलर टाइट्स जब आपकी किस कंडीशन में जब आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में हो मून और सन जहां पर मून आपका अर्थ के पीछे चला गया वहां पर आपकी सोलर टाइट्स नहीं बनाई ठीक है अब वहीं पर नीब टाइड मैंने बताया था नीब टाइड में क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दैट जो सन और मून है वो राइट एंगल पे है उसमें नीब टाइड बनेगी ठीक है और नीब टाइड में भी सोलार और लूनार नीब टाइड बनेगी एक बार तो आपकी सोलार नीब टाइड बन जाएगी और जब इसकी पोजिशन नीचे की तरफ होगी यहां पर एक बार फर्स्ट क्वार्टर में तो बनेगी सोलार और थर्ड क्वार्टर में बनेगी आपकी लूनार ठीक है लूनार टाइट्स ठीक है जब आपका यहां पर होगा इस वाली कंडीशन में तो सोलर टाइड बनेगी और जब इस वाली कंडीशन में होगी तो लूना टाइड्स बनेगी ये देख लीजिए कुछ नहीं हो रहा है जब स्प्रिंग टाइड है आप देखिए स्प्रिंग टाइड में क्या कंडीशन है आप बेसिकली एक सिंपल सा पॉइंट देखिए जो स्प्रिंग टाइड है स्प्रिंग टाइड में क्या होगा अब चीजें आप यहां पर बिल्कुल क्लि क्लियर हो जाएंगी नहीं कंटिन्यूएशन नहीं है उसका ये अलग से आपका ओशनोग्राफी का पार्ट है अब आप यहां पर एक पॉइंट नोटिस कीजिए जो स्प्रिंग टाइड है मैंने क्या बताया था स्प्रिंग टाइड में मैंने आपको बताया था स्प्रिंग टाइड में आपकी हाई हायर टाइड्स आएंगी और आप देख रहे हो हाई हायर टाइड्स आ रही है देख रहे हो यहां पर हाई हायर टाइड्स आ रही है आ रही है वहीं पर जो आपकी नीप टाइड है नीप टाइड में क्या होगी नीप टाइड में आपकी लो लोअर टाइड्स बनेंगी यहां पर क्या होगा यहां पर आपकी लोअर टाइड्स बनेंगी क्यों क्योंकि नीप टाइड है और नीप टाइड कैसी बनती है ये सेकेंड क्वार्टर में है सेकेंड क्वार्टर मतलब ये अर्थ है यहां पर ये मून है और ये सन है देखो मैं तीनों क्वार्टर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं अभी आपको तीनों क्वार्टर समझा दूंगा आपको तीनों कंडीशन समझ में आ जाएंगी देखो तीनों कंडीशन समझ में आ गई ना तो आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे टाइट्स के और मैं अभी आपको बताता हूं कैसे समझ में आएंगे पॉइंट अब आप यहां पर आइए एक सिंपल पॉइंट समझिए कोई इश्यू नहीं है हम पूरा कंप्लीट करने के बाद बस फाइव या टेन मिनट्स का टॉपिक बचता है ठीक है बस फाइव मिनट्स का टॉपिक बचता है अब मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूं देखिए यहां पर है आपका दो कंडीशन बताऊंगा मैं आपको ठीक है यह है आपका केस फर्स्ट या इसको बोल सकते हैं क्वार्टर फर्स्ट ठीक है फर्स्ट क्वार्टर में ठीक है फर्स्ट क्वार्टर में उसके बाद आता है आपका यहां पर सेकेंड क्वार्टर सारी कंडीशन समझाऊंगा चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी फर्स्ट क्वार्टर यहां पर सन है यहां पर मून है और यहां पर अर्थ है ये आपका सेकेंड क्वार्टर हो गया ठीक है उसके बाद आता है थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में यहां पर सन है यहां पर मून है और यहां पर है आपकी अर्थ सॉरी यहां पर है आपकी एक मिनट रुक जाइए यहां पर है आपकी अर्थ और यहां पर है मून तीसरी कंडीशन उसके बाद अब मैं आपको एक और कंडीशन ये मून है उसके बाद आपकी फोर्थ क्वार्टर की कंडीशन आती है यहां पर है सन ठीक है बेसिकली अगर मैं बात करूं थर्ड क्वार्टर की कंडीशन आ जाती है ये यह वाली यहां पर ये यह थर्ड नहीं है थर्ड क्वार्टर यहां पर आएगा ये वाला थर्ड क्वार्टर आएगा ये मून हो गया ठीक है और यहां पर अर्थ हो गया अब चीजों को समझने की कोशिश करना यहां पर फर्स्ट केस है डायरेक्शन में डायरेक्शन में है? जब सन और मून आपके एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हाई टाइड्स बनेंगी हाई हाई टाइड्स बनेंगी ठीक है जब उसके बाद आपका सन अर्थ और मून और बेसिकली जो अर्थ और सन है सेकंड क्वार्टर में यहां पर राइट 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहां पर बनेगी लो टाइट जिसको हम बोलेंगे नीप टाइट उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपका जो सन है यहां पर और मून है ये आपका अर्थ बीच में आ जाएगी तीसरी कंडीशन में जिसमें मैंने क्या बताया था हाई तो होंगी बट नॉट सो हायर आप देखिए टाइट्स क्या है हाई है यहां पर हाई टाइट देखिए इस वाले पॉइंट पर है पर यहां पर इस वाले पॉइंट पर नहीं पहुंची यहां पर हाई टाइट्स तो है बट नॉट सो हायर बट नॉट सो हायर ठीक है बट नॉट सो हायर ठीक है ओके okay. अब यहां पर आ जाइए तीसरी कंडीशन पे जब आपका मून यहां पहुंच गया तो हमने क्या बात की थी लो टाइट तो है बट नॉट सो लोअर यहां पर इतनी लोअर नहीं है जितनी यहां पर लोअर बन गई थी ये आपको चारों कंडीशन मैंने समझा दी है अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पर कैसे वेरी करता है मैग्नीट्यूड पर कैसे वेरी करता है अब आप चीजों को देखिए अब आप पॉइंट देखिए मैग्नीट्यूड पर देखिए जब आपका मून इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है जब मून आपका सबसे नियर होगा अर्थ के जब मून अर्थ के सबसे नियर होगा तो इस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे पर्जी क्या बोलेंगे परजी क्या बोलेंगे पर्जी और जब पर्जी ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी दैट मीन्स आपका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा और जब मून आपका अर्थ से सबसे दूर हो जाएगा इस वाली कंडीशन को बोलेंगे एपोजी दैट मीन जो आपकी टाइड होंगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा टाइड का मैग्नीट्यूड कम होगा ओके टू वीक्स लेटर वेन द मून इज फ्रॉम द अर्थ दैट एपोजी द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड क्योंकि दूर चला गया एंड टाइटल रेंजिस आर लेस देर एवरेज हाइट तो इनकी हाइट के अकॉर्डिंग जो एपोजी है सबसे दूर होता है और वहीं पर पे सबसे पास होता है दोनों के बीच में डिस्टेंस है यह कंडीशन आपकी क्रिएट होती है ठीक है ओके मैग्निट्यूड एपी हेलियन और एरी पे भी आपका डिस्कस होता है बेसिकली जब एपी हेलियन आता है तो एपी हेलियन में जो आपका यहाँ पर अर्थ है और ये सन है एपीहेलियन में तो सन सबसे फार होगा, सबसे दूर होगा और वहीं पर पैरीहेलियन में जो आपका सन है वो सबसे पास होगा किसमें पेरीहिलियन में और जब इसके कारण भी तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर वेरी करता है वो अलग बात है कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइव बाई इलेवेंथ होती है सन की कंपेयर टू द मून मून से कम होती है बट ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ना तो एपीहिलियन और पेरी में भी मैग्नीट्यूड पर वेरिएशन होगा टाइड्स के और वहीं पर जो टाइड्स का वेरिएशन है वो ज्यादा कहां पर होगा एपोजी और पर्जी में होगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून आपकी कंपेयर टू सन और उसके कारण ज्यादा है ठीक है ओके बेसिकली हम टाइड्स को कवर कर रहे हैं यहां पर अपने लेक्चर पे इसको टाइट्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपको पूरी चीजें समझ में आ गई अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है टाइट्स की टाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है ठीक है जो हमारी टाइड्स हैं वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है देखिए टाइड बेसिकली अर्थ मून और सन की पोजीशन के कारण होता है जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती रहेगी जो टाइड्स है उनकी हाइट भी चेंज होती रहेगी उनकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती रहेगी उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा उसी के बेसिस पर ये नेविगेटर्स के लिए भी काम होती है फिशिंग एक्टिविटीज के लिए भी काम होती है नेविगेशन कैसे टाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप बोट को लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके नेविगेशन में भी हेल्प करती है आपकी टाइट्स ठीक है टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एट द हार्बर नियर द रिवर विद एश्री है एंट्रेंस विच प्रिवेंट सिप्स एंड बोट फ्रॉम एंटरिंग द हार्बर जिसके कारण आपकी जो बात ये है वो हार्बर पर एंट्री करने से आपको कहीं ना कहीं क्या करती हैं ये आपको प्रिवेंट करती हैं हाई टाइड्स क्या कर रही हैं आपको हेल्प कर रही हैं नेविगेशन में जिस डायरेक्शन में आपकी टाइड होगी उस डायरेक्शन में आप नेविगेट कर सकते हो वहीं पर अगर मैं बात करूं आपकी रिवर्स को नेविगेबल बनाती हैं टाइड्स और फिशिंग इंडस्ट्रीज में देखिए जो हाई टाइड्स आएंगी जो हाई टाइड्स होंगी वो अपने साथ फिशिंग भी फिशिज भी लेके आएंगी तो वहां पर फिशिंग इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी आपकी जो फिशिज है वो क्लोजर आ जाएंगी हाई टाइड्स के कारण कहां पर कोस्टल पार्ट पे तो फिशिंग एक्टिविटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड डी सिल्टिंग ये डी सिल्टिंग के कारण भी काम आती है जो सिल्ट आपका डिपॉजिट हो जाता है जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है जब टाइड्स आती है तो सेडिमेंट्स को भी वॉश अवे करके ले जाती है जिसके कारण डी सिल्टिंग जो सेडिमेंट्स होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करती है नेविगेशन का मतलब होता है नेविगेट मतलब वहां पर शिप्स और बोट इजिली मूव कर सकते हैं इजिली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर सकते हैं अगर मेरा यहां पर शिप है और मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो नेविगेशन होगा तभी मैं जा सकता हूं अगर मेरा जो वाटर लेवल है वो शेलो है या डायरेक्शन फेवर में नहीं है बिल्कुल काम वाटर है तो मैं कैसे नेविगेट कर पाऊंगा अगर मेरा वाटर बिल्कुल काम है तो मेरा शिप तो यहीं पर रुक जाएगा बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरे पास बोट है उसमें मोटर नहीं है तो बोट कैसे मूव करेगी आगे की तरफ या तो मुझे वही वाला पॉइंट है पैडल चलाने होंगे अगर पैडल नहीं चलाऊंगा तो सिर्फ अगर आपका जो टाइड्स है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ले जा सकती है ठीक है ये पॉइंट हो गया नेविगेशन और किस चीज में जो आपका कैनेडा है फ्रांस है रशिया है चाइना वहां पर जो टाइड्स होती है ना ये टाइड्स क्या करती है टर्बाइन लगी होती है कोस्टल एरियाज में जब ये टाइड्स आती है टर्बाइंस को रोटेट करती है और जब टर्बाइंस रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्री मेगा टाइडल पावर प्रोजेक्ट वॉज कंसर्ड कंसिडर आपका जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है वहां पर आपका इडल प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसके कारण हम थ्री मेगावाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आपका कर सकते हैं ठीक है क्लियर है गाइस अब कैरेक्टरिस्टिक बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपका ये है ये आपका क्या चीज है ऑन द सरफेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जनरेटिंग अ फोर्स मोर इंपॉर्टेंट ऑन द वर्टिकल आपका बेसिकली वर्टिकल जनरेशन होता है फोर्स का द टाइडल बल्जेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो टाइडल आपकी जितनी हाई होगी वो कहां पर होगी जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना ये मेरा कोस्ट है इस कोस्ट से जितनी ज्यादा आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब वो पार्ट कॉन्टिनेंट का जो वाटर के अंदर है जितनी ग्रेटर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी उतना ही टाइडल बल्ज आपका बड़ा होगा ज्यादा होगा और जितनी कम कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी टाइडल बल्ज भी उतना ही कम होगा वहां पर लो टाइड आएगी समझ में आ गया क्लियर है वहीं पर मैंने बताया कि जो मिड ओशनिक आइलैंड है वहां पर जो आपकी टाइडल बल्ज है वो कम होती है क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका वहां पर स्मॉल होता है जिसके कारण टाइडल बल्ज में इफेक्ट होता है क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके का ये पॉइंट आ गया द शेप ऑफ एश्री एंड बे जो एश्री और बे होती है ना उनकी शेप भी वेरी करती है आपको हमेशा याद रखना जहां पर आपकी बेस

और आपका बेस के बीच में से ट्रेवल करते हैं तो टाइडल बोर बोला जाता है क्लियर है वहीं पर फनल शेप्ड ग्रेटली चेंज टाइडल एग्जांपल बे ऑफ फंडी हाईएस्ट टाइडल रेंज है जो बे ऑफ फंडी है वो हाईएस्ट टाइडल रेंज है आपकी ठीक है क्लियर है द हाईएस्ट टाइड्स अकर इन द बे ऑफ फंडी जो कनाडा का है वहां पर 15 से 16 मीटर की आपकी टाइड्स आई हैं जो कि हाईएस्ट टाइडल रेंज है बेसिकली ठीक है हाइएस्ट टाइडल रेंज है बे ऑफ फंडी वाली जो कैनेडा वाला पार्ट है वहां पर नोवा स्कोटिया में इस वाले पार्ट पर आपकी जो टाइड्स है वो 15 से 16 मीटर की हाइट तक अचीव कर लेती है अब मुझे कौन कौन स्टूडेंट बताएगा कि जो हमने टाइड्स पढ़ी इसमें किस किस को डाउट है टाइड्स में किस किस स्टूडेंट को कोई भी डाउट है टाइड्स वाले पोर्शन में किस किस स्टूडेंट को कोई भी डाउट है साइड्स वाले पोर्शन में किस किस स्टूडेंट को कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉन्टेक्स पे बताइए फटाफट क्लियर है कि गियर्स क्या होता है बेसिकली गियर्स होता है एक सर्कुलर पाथ में जब ओशियन प्रीवियस क्लास देख लीजिए ओशन करंट में मैंने बताया था व्हाट इज गियर्स एक गायर्स मैंने बताया था ठीक है ओके प्रीवियस क्लास में देखिए मैंने गायर्स बढ़ाया था जब आपका एक सर्कुलर पाथ में आपका वाटर रोटेट होने लगे उसको गायर्स बोलते हैं जैसे मैंने बात की थी सरगैसो सी के बारे में सरगैसो सी जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है सरगैसो सी वहां पर यह चीज मैंने डिस्कस की थी ओके okay? किसी को कोई भी डाउट मुझे ये बता दीजिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई डाउट है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा चीजों को बस आप मुझे बता ये बताइए चीजें क्लियर हैं आपको ठीक है ओके सो so गाइज फिर मैं आपको एक बार दोबारा अच्छे से चीजें समझाने की कोशिश कर सकता हूं कि आपके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें यूट्यूब के थ्रू नहीं मिलेंगी और आपका जून में मोस्ट प्रॉब्ली यूपीएससी का फिलिम्स हो हो सकता है अभी कुछ मैटर चल रहा है केस से रिलेटेड तो अभी उसके ऊपर डेट फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आया है अदरवाइज बहुत जल्दी आ जाएगा तो प्लीज जितना जल्दी हो सके अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है अभी भी आपके पास Approach, अगर मैं बात करूं more than three months की four months के आपके पास है तो चीजों चीजों को को मत कीजिए अभी भी आप चीजों को कर सकते हैं यू विल गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन में और एज अ गाइड एज मेंटर में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा ओके गाइस ठीक है यहीं पर अगर मैं बात करूं आप मुझे टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी अंडर स्कोर फाइव यहां पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगी या अनअकेडमी अंडर स्कोर अनिरुद्ध मलिक वहां पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएंगी अन अकेडमी अंडर स्कोर अनिरुद्ध मलिक ठीक है ओके ठीक है और किसी भी तरीके का कोई इश्यू आता है तो टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन या है किसी पॉइंट पर ओके गाइस तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं कोई भी आगे फिर हम गाइज मॉर्निंग में इलेवन ए एम से कल हमारी आपकी मैं कल थ्री या फोर इंपॉर्टेंट क्लासेस लेने वाला हूं आपकी इसी चैनल पर हाफ एन आवर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इश्यूज रहते हैं वो कल डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल टू से थ्री क्लासेस मैं लेने वाला हूं और मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है और मोस्ट प्रॉबली थोड़ा हेल्थ का इशू था दैट्स वाई मैं आपकी मॉर्निंग की जो इलेवन ए की क्लास है आपकी अन अकेडमी ऐप पर वो नहीं हो पा रही है पॉलिटी सीरीज तो मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स हम कल से कंटिन्यू करते हैं उन चीजों को ओके okay, गाइज तो आज का सेशन फिर यहीं पे खत्म करते हैं कल कर मिलते हैं ओके गाइज ठीक है बाय टेक केयर